हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट ग्रीडी। तो बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन में नेक्स्ट टाइप देखेंगे, इंटीग्रेशन का नेक्स्ट फॉर्म। और आज मैं जिस फॉर्म की बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो बच्चों इंटीग्रेशन करना है इस फॉर्म का, देखो, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस एक्स डी एक्स, अदरवाइज इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स डी एक्स। अगर बच्चों आपको इस फॉर्म का इंटीग्रेशन करना है, एक्स माइनस अल्फा बटे बीटा माइनस एक्स, मतलब ये कोशियंट के फॉर्म में और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, वैसे इसको बिना सब्स्टिट्यूशन का सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनने के बाद हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करके जो फॉर्मूला है उसमें रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये वाला वैसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, एक्स के जगह पुट करना पड़ेगा। तो या तो ये फॉर्म है या तो ये फॉर्म है, इस तरीके से कर सकते हो। x के जगह आप पुट कर सकते हो x इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। x इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ओके बच्चों। नेक्स्ट जो फॉर्म है, अगर बच्चों मान लो इंटीग्रेशन आपको करना है x माइनस अल्फा बटे x माइनस बीटा का रूट के अंदर, रूट अंडर x माइनस अल्फा बाय x माइनस बीटा का इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। तो देखो आप क्या पुट करेंगे, दोनों को आप थोड़ा सा पहचानो बढ़िया से। यहाँ पर x माइनस अल्फा बटे बीटा माइनस x है, यानी x माइनस कॉन्स्टेंट बटे कॉन्स्टेंट माइनस x, ठीक है। और यहाँ क्या है, x माइनस कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय x माइनस कॉन्स्टेंट, अदरवाइज ये प्रोडक्ट में भी रहा इस तरह से है ना, रूट के अंदर प्रोडक्ट में भी रहा ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, राइट, ठीक है, समझ रहे हो बात को। वैसे आप इसको, मैं बोला ना, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा स्क्वायर को रूट के अंदर, और आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस केस में आप पुट कर दो बच्चों, x इक्वल टू अल्फा sec स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा। और एक थर्ड फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट फॉर्म, कि बच्चों अगर यही डिनोमिनेटर में रहा, मतलब वन बाय रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डी एक्स, तो एक मेथड तो ये भी है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में चला जाएगा। मैंने क्या बोला, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में चला जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, फिर आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, बशर्ते आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, पुट कर लो x माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वायर, अदरवाइज x माइनस बीटा इक्वल टू टी स्क्वायर, ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आप इसको कॉपी कर लो, अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। चलो, मेनली ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला और ये वाला बहुत ज़रूरी है, बाकी ये तो प्रोडक्ट वाला फॉर्म जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में चला जाएगा आपका। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाले फंक्शन को हम लोग आराम से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कैसे, क्या करके बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे तो आपने आप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों आगे देखते हैं एग्जाम्पल, देखो
अगर बच्चों मान लो इंटीग्रेशन करना है आपको 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 डी एक्स का, ठीक है। देखो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल बटे वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है, यानी आप ऐसे ध्यान में रखो कि एक एक्स प्लस में और एक एक्स माइनस में हो, ऊपर भी लीनियर और नीचे भी लीनियर फंक्शन है, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। तब आपको पुट करना है बच्चों क्या चीज, एक्स बराबर जैसे ये का अल्फा का वैल्यू ये हुआ तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा की जगह 3 है तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 5 इंटू 2 कॉस थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस साइन थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये बच्चों 5 माइनस 5 हो गया, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन 2 थीटा प्लस 3 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, और बच्चों यहाँ पर जो थीटा है उसका इंटीग्रेशन डी थीटा, ये डी थीटा हुआ, आप लोग समझ रहे हो ना, एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स हुआ, इस फंक्शन का किया और थीटा का क्या लिखेंगे डी थीटा। यहाँ से बच्चों डी एक्स बराबर आपका आ रहा है माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों 5 माइनस एक्स और एक्स माइनस 3 आप निकाल लो पहले, या तो डायरेक्ट यहाँ पुट कर लो या पहले सॉल्व कर लो, बात एक ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 5 माइनस एक्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 5 माइनस एक्स के जगह पर इसको रख देते हैं 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। मैं एक काम कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर को बच्चों साइन में चेंज कर दे रहा हूँ, तो 5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। एक कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसके जगह लिख सकते हो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। चलो अब देखो बच्चों ये 5 माइनस तो माइनस 5 गुने 1 5 माइनस 5 इंटू माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, सही है बात है। 5 माइनस 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे बच्चों देखो ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस प्लस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 टू जा सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना था ना, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 5 5 कट गया बच्चों, तो 5 माइनस एक्स जो आ रहा है आपका वो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक, सोचो। और इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 क्या आएगा देखो बच्चों, एक्स माइनस 3 ना एक्स के जगह पर ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3 तो माइनस 3। अब एक काम करो बच्चों देखो ये साइन स्क्वायर थीटा को ना चेंज कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा में, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा को लिखो बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस 3, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 3 इंटू माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, सही है बच्चों। प्लस 3 और माइनस 3 कैंसल आउट हुआ और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो x माइनस 3 बराबर आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 5 माइनस एक्स बराबर आया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। चलो अब हम इंटीग्रेशन जो सॉल्व करने दिया था उसको लेते हैं रूट अंडर
फाइव माइनस एक्स के जगह पर, फाइव माइनस एक्स है ना, उसके जगह पर टू साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, न्यूमरेटर में टू साइन स्क्वायर थीटा बटे एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री के जगह पर टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इनटू डीएक्स बराबर, यहां से देखो बच्चों डीएक्स बराबर क्या आया अपना, माइनस टू साइन टू थीटा डी थीटा, टू से टू कैंसिल हुआ बच्चों, और ये माइनस टू बाहर कर लिया, साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा, साइन टू थीटा ये दिख रहा है, साइन टू थीटा, ये जो साइन टू थीटा दिख रहा है इसकी जगह पर क्या लिखोगे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो बच्चों यहां से कॉस और कॉस कट गया, माइनस टू टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बच्चों साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा, क्योंकि पावर अगर स्क्वायर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन और कॉस का जो फॉर्मूला है वो पावर वन के लिए है ना, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स, ठीक है, चलो समझ रहे हो बात को, वन का थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा आएगा इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन टू थीटा, तो थीटा में टू से मल्टीप्लाई, देखो थीटा में टू से मल्टीप्लाई इसलिए टू से डिवाइड हो जाएगा, और प्लस का क्या हो गया बच्चों सी। अब बढ़िया से देखो, माइनस टू इंटू थीटा माइनस टू थीटा, माइनस माइनस प्लस, और ये टू और ये टू कटेगा तो साइन टू थीटा प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया थीटा के फॉर्म में, लेकिन थीटा के जगह पर तो रखना पड़ेगा आपको। तो बच्चों थीटा कैसे निकाला जाए, ये देख रहे हो एक्स, एक्स का वैल्यू देख रहे हो ना, एक काम करते हैं यहां पर थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है, कॉस के फॉर्म में चलो निकाल लेता हूं। तो देखो बढ़िया से देखना, एक्स बराबर फाइव कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बढ़िया से देखो बालक, थ्री प्लस फाइव कॉस स्क्वायर थीटा में से थ्री इंटू माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, होगा कि नहीं, और मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूं टू थीटा निकाल ले रहा हूं, देखना टू थीटा कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस थ्री बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा इज वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू, ये टू इधर आया तो टू एक्स माइनस सिक्स, और ये प्लस वन आया तो माइनस वन बराबर कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा बराबर टू एक्स माइनस सेवन, तो टू थीटा बराबर कॉस इनवर्स टू एक्स माइनस सेवन, टू थीटा बराबर कॉस इनवर्स आया। साइन टू थीटा भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, साइन टू थीटा कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ, यही एक्स है ना, एक्स, एक्स बराबर क्या है बच्चों बताओ, फाइव कॉस स्क्वायर थीटा को ना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो, ठीक है, और प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ फाइव माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा सॉल्व करने पर, और टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों हो जाएगा फाइव माइनस एक्स, टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस, अच्छा एक काम करो इतना नहीं करने जाओ छोड़ दो, यहीं से निकाल लो, जैसे आपका कॉस टू थीटा बराबर ये आया ना, तो साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा, तो वन माइनस कॉस टू थीटा क्या है, टू एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर, तो साइन टू थीटा यहीं से आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो देखो, माइनस टू थीटा के जगह पर टू एक्स माइनस टू थीटा के जगह पर कॉस इनवर्स टू एक्स माइनस सेवन प्लस साइन टू थीटा, प्लस साइन टू थीटा का वैल्यू देखो रूट अंडर वन माइनस टू एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर, और प्लस का सी, ये आपका आंसर हुआ। तो बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर आप लोग भूल जाते हो किसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं,
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, तो आप इसको ध्यान में रखोगे, है ना। बाकी फॉर्म तो इजी है, बाकी फॉर्म का क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करके ऐसे ही ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या बात है, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है इस क्वेश्चन में कि आपने पुट कर दिया, उसके बाद तो यहाँ x का वैल्यू रख लो, ठीक है, सिंप्लीफाई किसी भी तरह करो, कोई बात नहीं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इस फॉर्म में आता है आंसर आपका ठीक ठाक के फॉर्म में आएगा, तो इसको ठीक ठाक को रिप्लेस करना है x से, और आपको इसका यूज करना पड़ेगा ना, यहाँ से आप ठीक ठाक निकाल सकते हो, राइट। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। वैसे सारे लेक्चर इम्पॉर्टेंट हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।